नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में एक ऐसी परीक्षा के बारे में जिसमें कि आप परीक्षा केंद्र पर किताब खोलकर लिख सकते हैं। बिहार में नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह एक अच्छी खबर है। परीक्षार्थियों को परीक्षा हॉल के अंदर किताब लेकर आने की छूट मिलेगी। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी हर विषय के लिए किताब ले जा सकते हैं। बता दें कि यह परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC द्वारा आयोजित किया जा रहा है। बता दें कि यह परीक्षा 26 फरवरी को होने वाली है। LDC की परीक्षा में अभ्यर्थियों को किताब ले जाने की पूरी आज़ादी होगी। इस परीक्षा को लेकर आयोग की तरफ से बताया गया है कि 24 पद के लिए 61,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है। बता दें कि इसको लेकर 7 जिलों में 117 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वही बता दें कि राजधानी पटना के साथ साथ छपरा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर के साथ साथ नालंदा जिले में परीक्षा का केंद्र बनाया गया है। बीपीएससी एलडीसी की 26 फरवरी को होने वाली परीक्षा के लिए पहली पारी जो है यानी कि जो परीक्षा होगी वह 12 बजे से 2:15 तक होगी। इस दौरान अभ्यर्थी अपने साथ किताब ले जा सकेंगे। बिहार में यह पहली ऐसी परीक्षा होगी जिसमें कि आपको किताब खोलकर लिखने की अनुमति होगी, यानी कि आप किताब खोलकर अपने सवालों का जवाब खोज सकते हैं। यहाँ पे वीक्षक होंगे यानी कि जो परीक्षा केंद्र के दौरान जो जाँच करने वाले लोग होते हैं वो होंगे, पर आपको किताब खोलने से वो मना नहीं करेंगे। इन दिनों मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं, इंटर की तो समाप्त हो गई, मैट्रिक की भी परीक्षाएं जो है कमोबेश आखिरी चरण में है। लेकिन चोरी करने पे पकड़े जाने वालों की खबरें मीडिया में खूब चलती है। लेकिन इस परीक्षा के दौरान जो है आप आसानी से किताबें खोल सकते हैं, उसका सवालों का जवाब आप ढूंढ सकते हैं। ऐसे में आप किताब खोल कर पूरी चाह से लिख सकते हैं। परीक्षा नियंत्रक की तरफ से यह भी कहा गया है कि एक पुस्तक के अलावा अभ्यर्थी हस्तलिखित या फिर छापा प्रति परीक्षा हॉल के अंदर नहीं ले जा सकते हैं। यानी कि साफ है कि आप जो है परीक्षा के दौरान सिर्फ संबंधित विषय की किताबें ही ले जा सकते हैं। आप अपने साथ में हाथ से लिखा हुआ कोई कागज़ नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास कोई जीरोक्स का कोई वैसा कॉपी हो या फिर आपने कोई मटेरियल बनाया हो, उन सब चीज़ों को ले जाने से मना किया गया है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की छूट नहीं होगी। इस परीक्षा में प्रवेश पत्र ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ तरीके के बहुविकल्पिक होंगे। यहाँ उत्तर अगर गलत होने पर जो है माइनस मार्किंग का भी प्रावधान है, और अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको एक प्रश्न के 4 अंक मिलेंगे। साथ ही साथ आयोग की तरफ से यह भी अपडेट जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि ऐसे अभ्यर्थियों को जिनका ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किया गया फोटो और हस्ताक्षर खाली या फिर अस्पष्ट है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र या अधीक्षक के पास जाकर घोषणा पत्र को भरने के साथ साथ रंगीन फोटो और उसमें हिंदी और अंग्रेजी में हस्ताक्षर करके जमा करना होगा। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि अभ्यर्थी को दोनों फोटोग्राफ किसी अधिकारी से अटेस्टेड करवाने होंगे। साथ ही साथ आपको अपना फोटो परिचय पत्र भी रखना होगा जिससे कि यह पहचान हो सके कि आप जो है वही सही व्यक्ति है। पहचान पत्र की ज़रूरत जो है अमूमन हर उस विषय की परीक्षाओं में होती है जिसमें कि पहचान पत्र की ज़रूरत होती रहती है, और कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में तो पहचान पत्र की ज़रूरत होती ही है। तो ऐसे में BPSC द्वारा LDC की जो परीक्षा है 26 फरवरी को ली जा रही है, उसमें किताब ले जाने की अनुमति है। और कहा जा रहा है कि बिहार की एक ऐसी परीक्षा होगी जिसमें कि आपको किताब खोलकर लिखने की पूरी आज़ादी होगी। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।